वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज ब्लॉग धनवी के साथ स्टार्ट हो रहा है बिकॉज आज का जो ब्लॉग है वो धनवी से रिलेटेड है, इसलिए आज मैंने सोचा कि धनवी के साथ स्टार्ट करते हैं। और गाइज, आज धनवी के जो पूरे बाल हैं वो पूरा गंजा होने वाला है। धनवी के सारे प्रॉपर जो भी सारे बाल हैं सारे निकलेंगे। इधर आओ मम्मा पास, ये देख सकते हो आप, ये सारे बाल। धनवी आज गंजी हो जाएगी, तो मैं, मम्मी और धनवी जा रहे हैं। पहले हमने सोचा था कि ये ऑफिस से आ जाएंगे रोज़, आजकल प्लान बनता था कि हम आज जाएंगे कल जाएंगे। बट पिछले आज जब से धनवी का एक साल का बर्थडे गया है ना, तब से हम सोच रहे हैं कि इसके पूरे बाल गंजा करवा दे। बट स्टिल हम नहीं करवा पा रहे थे। कभी हमारे मन में चल रहा था अच्छी नहीं लगेगी, कभी कुछ ऐसे करके वो रह ही जा रहा था। बट फाइनली आज डिसाइड हुआ कि नहीं, आज कुछ भी हो जाए मैं धनवी के साथ जाके इसके बाल करवा देंगे। बिकॉज अभी जो सावन चल रहा है हमारे यहाँ पे, इसी मंथ में होता है, वरना फिर कुछ ऐसा लग जाएगा तो नहीं होगा। मतलब कुछ गिने चुने मंथ होते हैं उसी में होता है। और कहते हैं जो पेट के बाल होते हैं बच्चों के, उसको ज़्यादा दिन तक नहीं रखते हैं। बच्चे ज़िद्दी होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको ज़्यादा दिन तक नहीं रखते हैं। बट धनवी का अभी तक टाइम ही नहीं हो पा रहा था कि हम कराएं, बट आज हम फाइनली हम जाके धनवी के करवा देंगे गंजा। तो चलो निकलते हैं, मैं चेंज कर लूँ, धनवी को मैंने चेंज कर दिया है, मैं जा रही हूँ चेंज करने। उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं और देखते हैं कि धनवी अच्छे से करा पाती हैं या नहीं, रोती हैं, परेशान करती है, क्या करती है, सारी चीज़ें आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। उसके बाद जब ये गंजी हो जाएगी तो सबका जो रिएक्शन होगा, टकलू होने के बाद जो सबका रिएक्शन होगा वो उसके लिए क्या होगा, वो सारी चीज़ें नोटिस करते हैं, रिकॉर्ड करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। चले। ये देखो, ये ठीक है अपना, ये देखो मम्मा का। चल ये जाएगी। इतना अच्छा मौसम हुआ है टकली होने आई है, आज सोचेंगे मम्मी लोग पूरा खानदान ही उठ के क्यों आ गया पार्लर में एक टकला कराने के लिए। पापा जी ओ हो जी
हरदी आते ओए चक्की लग गया जहाँ दे दे हमें अच्छा आप बनी पापा जी खीर पूरी का सिया पापा जी जब खुश होते हैं तो खीर पूरी बनी हाँ अच्छी हो गया हाँ बहुत बढ़िया है हाँ मैं पूछ लेता मालूम तो कुछ चलो बावन हाथ के आ रहे नीचे धनवी टकलू हो गई है टकलू होने के बाद धनवी कैसी लग रही है कैची लग रही है बेची कैची लगी है बताना गाइस कमेंट करके बहुत मुश्किल से हुई है रो रो के जैसे कि आप लोगों ने देखा और धनवी ये दिखाओ आपको चोट भी लग गया ना ये देखो ये देख सकते हो आप ये पूरा ऐसे यहाँ से कान धनवी का कट गया था पूरा ये ब्लड ब्लड हो गया था इतना ज़्यादा परेशान किया इतना ज़्यादा रो रो के पूरा कान कट गया था मतलब यहाँ से इतना कट गया है और उसकी वजह से इतना ब्लड निकला बेचारी का और फाइनली धनवी गंजे हो गई। और इसके बाद हमारे घर में जब पहली बार बेबी गंजे होते हैं तो क्या क्या रीति रिवाज होते हैं वो आपको आगे देखने को मिलेगा। मम्मी वहीं से मार्केट जाना था सब्जी वगैरह लेने तो मम्मी सब्जी लेने चली गई। अब मम्मी आएंगी तो हल्दी तेल ये सब लगता है प्लस मीठा बनता है अच्छा खाना बनता है तो पापा जी की फरमाइश है कि खीर पूड़ी वगैरह ये सब बनाया जाए तो मैं बस जा रही हूँ किचन में लगने और खीर पूड़ी वगैरह बना लेते हैं है ना। और बच्चे का जब एक एक कुछ नया नया चीज़ें होता है बच्चों के साथ तो मतलब बहुत अच्छा लगता है ना माँ को कि अरे मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया कहाँ इतनी छोटी सी थी। हाँ विकास ले आओ हाँ ठीक है ले आओ है दिन भी चलो नानी नानी नानू को वीडियो कॉल करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं आप कैसे लगे हो ठीक है देखते हैं उनका रिएक्शन ठीक है ठीक है। अभी फिर आपका वो भी करना है ना बेटा फैन ऑन कर ले के तो जा ये देखो क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए आपको एक साथ सब लोग देखना फोन में ठीक है धनवी क्या अबे कटवाई नहीं दी देख नहीं रहा है पूरा खून खून हो गया कान में कट लग गया इसके बाल नहीं है रात में क्या हुआ धनवी। सो गाइस बाल कटवाने के बाद से चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हो गीले कपड़े से सारी चीज़ें साफ़ कर देनी चाहिए कपड़े चेंज कर देना चाहिए वरना फिर बाल ना चुभते हैं तो बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं। तो मैंने सबसे पहले धनवी के कपड़े चेंज किए फिर गीला कपड़ा करके बाल और सारी चीज़ें पोंछ दिया। अगर डे का टाइम होता तो मैं नहला देती बट डे का टाइम नहीं था शाम को नहलाऊंगी वैसे धनवी को सर्दी जुकाम हुआ था। उसके बाद मैं यहाँ पे आलू की भुजिया बना रही हूँ उसके लिए आलू काट रही थी फिर मैंने आटा गूंदा और आटा गूंदने से पहले मैंने इसमें डाला अजवाइन और नमक। जब हम पूड़ी बनाते हैं तो इसमें हम लोग डालते हैं आप लोग डालते हो क्या कॉमेंट में बताना उससे पूड़ी बहुत अच्छी बनती है थोड़ा सा रिफाइंड भी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ मैं बना रही हूँ खीर। खीर के लिए मैंने चावल को कुकर में डाल के सीटी लगा लिया क्योंकि टाइम बहुत कम था ऐसे पकने में टाइम लगता और ऐसे ही बनाते हैं हम लोग लेट हो गया था तो बाल कटवाने के वजह से तो इसीलिए। और यहाँ मैं दूध उबालने के लिए रखा दूध एकदम गाढ़ा कर दूँगी मैं पका पका के फिर उसमें मैंने इलायची डाल दिया। सेकंड साइड मैं बना रही हूँ सब्जी तो यहाँ पे मैंने तेल डाला तेल में डाला है मिर्च लहसुन और जीरा और उसके बाद मैंने प्याज डाला है। जब तक ये रेड नहीं होता है तब तक हम आलू नहीं मिक्स करेंगे। और यहाँ आप खीर देख सकते हो इसमें मैंने जो चावल उबले थे वो डाल दिए थे और जो ड्राई फ्रूट्स थे मेरे पास मैंने वो डाल दिए थे। अब इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे एकदम गाढ़ा होने तक। और गंजी
अब प्रॉपर आपकी तरह लग रही है, ये नंगू पंगू है। बच्चे का बाल कर गया। आप बताओ प्रॉपर आपकी तरह लग रही है ना, आपका मेल वर्जन सही में। हाँ भैया की तरह लग रही है बिल्कुल, दिखा रही है बढ़ गया बच्चा। अरे ऐसे ऐसे कोई बात नहीं, मेरे बच्चे तो बहुत सुंदर लग रहा है। इसके रेजर से नहीं कटे क्या? अरे ये देखो ना, कान कटवा ट्रिमर से गए। हाँ वही लग रहा है, रेजर से नहीं, बड़े छिलवाने पड़ेगा। रेजर से छिलवा रही थी, ट्रिमर से रेजर से तो नहीं हो पाएगा, जब तक थोड़ी बड़ी होगी ना। बच्चों को कैसी लग रही है? अरे तो बच्चे होने भी तो चाहिए, ये रो रही है इतना की। तू भी कहते हाँ हो गया। तो जब प्याज भुन गया तो इसमें मैंने आलू डाल दिए जो कटे हुए, हल्दी और नमक। बस सिंपल सा हम भुजिया बनाते हैं, आलू का बिहार में बहुत फेमस होता है। आप लोगों के घरों में बनता है क्या बताना मुझे कमेंट में। सो सिंपल सी सब्जी इसलिए बनाई थी क्योंकि लेट हो गया था, कुछ वैसी सब्जी बनाती तो टाइम लगता। और मैंने इसमें हल्दी वगैरह मिक्स कर दी। अभी ये मैं हल्दी और तेल और पानी मिक्स कर रही हूँ। ये जब धनवी के बाल कटे ना तो उसके ऊपर लगाते हैं, ये हमारे यहाँ रस्म होता है। इसके पीछे क्या है ये मुझे नहीं पता एक्चुअली। तो मम्मी आ गई थी मार्केट से तो मम्मी ने बोला लेके आओ लगा देते हैं, तो मैं वही यहाँ पे पेस्ट बना रही थी। सिर्फ इसमें हल्दी है, ऑयल है और कुछ भी नहीं है। आइए सर में पेस्ट लगाएंगे। प्लीज़ गाइस मुझे अच्छा सा ऑयल सजेस्ट करो जो मैं धनवी को लगाऊं, क्योंकि धनवी के बाल बहुत कम हैं, तो जिससे धनवी के बाल लोग की अच्छी ग्रोथ हो। तो मुझे प्लीज़ कॉमेंट में अच्छा सा ऑयल सजेस्ट करो, या मैं और क्या क्या चीज़ें करूँ उसके लिए जिसकी जो हेयर की ग्रोथ है वो अच्छी हो। प्लस ये भी मुझे बताओ कि धनवी को मैं क्या खिला पिलाऊं। आजकल धनवी ने कुछ भी नहीं खा रही है धनवी, और धनवी की हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि ऐसा मैं क्या करूं जो धनवी की हेल्थ अच्छी हो जाए, पहले से बेटर हो जाए। एंड यहाँ आप देख सकते हो मम्मी लगा रही हैं, मैं बात कर रही थी पापा जी पीछे बैठे हुए थे उनसे, और ये मेरी सब्जी रेडी हो गई है। जब तक इस तरीके का ना दिखे आपकी सब्जी तब तक आप भूनते रहो। और यहाँ मेरा जो खीर है वो भी आप देख सकते हो रेडी हो चुका है, बिल्कुल मतलब गाढ़ा हो गया है, और सारे ड्राई फ्रूट सब कुछ एक में मिक्स मैच हो गया है। बहुत टेस्टी खीर बनी थी, पापा जी ने बता रहे थे तो बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से पूड़ियाँ तल ली। खाना बनाते बनाते मुझे 10 बज गए थे, और उसमें धनवी भी इतना परेशान कर रही थी क्योंकि मम्मी नहीं थी, मार्केट गई हुई थी। सो फटफट से मैंने बनाया। एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, और धनवी कैसी लग रही है कमेंट में बताना। टकलू होके उसका लुक बिल्कुल ही चेंज हो गया है, तो प्लीज़ कमेंट में बताना धनवी क्यूट लग रही है या अब नहीं लग रही है क्यूट।